भयंकर नाला बारिश के मौसम में दुर्ग शहर वासियों के लिए मुसीबत का कारण बनता आया है, परंतु इस बार यहां की स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। जहां एक ओर हर साल शंकर नाले की सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते थे, वहीं इस बार किसी भी प्रकार का कोई ठेका न देकर सफाई कर्मचारियों से नगर निगम ने नाले की सफाई का कार्य करवाया है, जो कि काफी हद तक कारगर साबित होता दिखाई दे रहा है। इस बार नाले में कहीं भी पानी भरने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग नगर निगम के स्वास्थ्य प्रभारी हमित कोकर ने जानकारी देते हुए कहा, शुरू से दुर्ग शहर के लिए बारिश के समय बहुत एक मुसीबत का कारण बनता था, इस बार क्या स्थिति है? आप स्वास्थ्य प्रभारी होने के नाते शंकर नाला के अलावा अन्य नालों की भी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। विगत कई वर्षों से साफ करने के लिए लाखों रुपए खर्च किया जाता था शंकर नाले में, अन्य नालों में। इस बार हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी की अनुशंसा पर और हमारे महापौर जी के कहने के अनुसार हमारी और आयुक्त महोदय की एक टीम बनाकर हम लोगों ने अपने ही वर्करों से इसको साफ सफाई कराया गया। मैं बोलना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों जो आज तक नहीं हुआ वो काम अब हुआ है, बड़ी ही ईमानदारी से काम किया गया है। और जहाँ 3 फीट का नाला था वहाँ 30 फीट का किया गया है। कम से कम 70 से 100 गाड़ियाँ चिल्लिया मलबा निकला है, पूरा पैक था, इसमें बहुत लंबा समय लगा है और अब जाकर नालों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। हम लोग जो नियमित रूप से आगे नाले जो नाले टूटे हुए हैं उसको बनाते जाएंगे और लगातार हम मॉनिटरिंग करके साफ सफाई करवा रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी में सिस्टम चालू किया है, जिन जिन वार्डों में नाला बड़े नाले आते हैं, शंकर नाला आता है, उसमें वहाँ हम लोग जाली लगवा रहे हैं और जाली लगाकर हर हफ्ते में जहाँ तक थोड़ा बहुत कचरा इकट्ठा होता साफ करते हैं। इसके पहले आपने कभी ऐसा नाला साफ नहीं देखा होगा, देखिए कितना क्लियर और नीट और क्लीन है। आज कितनी भी बारिश हो जाए आपके पानी नहीं रुकेगा। हमारा कोशिश रहा है कि हम लोग साल दो साल के अंदर नालों का काम बिल्कुल क्लियर कर दें और नियमित रूप से हम अपने वर्करों से इसको सफाई करवाएंगे और लाखों रुपए की हम निगम की बचत करेंगे और सुंदर स्वस्थ और बेहतर हमारा शहर को हमको बनाना है। इस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे महापौर जी आदरणीय धीरज वाघलीवाल जी और हमारे विधायक महोदय आदरणीय अरुण मुरत जी का साथ हमें बहुत पूर्ण मिल रहा है और हम आयुक्त महोदय का भी इसमें ये करेंगे कि बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग करके वो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। हम सब मिलकर कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं और हमारा संकल्प है और हम शहरवासियों को भी कहते हैं कि कचरा ना फेंको इधर उधर, या शहर भी है आप ही का घर। हम उन सब शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि नालियों में नालों में कचरा ना डालें, डोर टू डोर कनेक्शन वाले आते हैं उनको कचरा दें, तभी जाकर हम लोग एक शहर खूबसूरत शहर की कल्पना कर सकते हैं। मैं अपने शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि जो घर का कचरा हो और भी जो कचरा नालियों नालों में ना डालें, डोर टू डोर जो आपके पास रिक्शे वाले आ रहे हैं उनको दे दीजिए और एक अच्छे शहर की कल्पना जो हम कर रहे हैं उसको यकीनन हम आप खुद देखेंगे कि बेहतर शहर और बेहतर नाली नाले होंगे, जिसके लिए हम कार्य लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी।